अरे यार सबका नंबर आएगा समझ तो नहीं कर रहा है किसी को कह रहे उसके बाद बोले गेट बंद करो अब काटो लाइन से जहाँ गेट बंद हुआ ना दिलाती चार्ज गया ओ देहरादून की बाइक इकट्ठी फिर बोले कि यही दे जो वाला खुद रोडों में साकिब साकिब ये बहुत से मायनों में एक बहुत ऐतिहासिक दिन होगा। ऐसा धूप नहीं आ रहा है। हम सब यहाँ मौजूद हैं होमगार्ड से नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून के ननूरखेड़ा के परेड मैदान पर। इतना खतरनाक जगह लग रहा है। ये मौका क्या है? मौका बहुत खास होगा। कैसे होगा? काफी कुछ आप लोगों ने इंस्टा और वीडियोज को ऑलरेडी देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो आपके लिए आज वो मोमेंट्स लाइव होंगे और हम सब एक साथ उस लाइव मोमेंट को एंजॉय करेंगे। मैं अमिताभ श्रीवास्तव डीआईजी होमगार्ड्स, अपने साथी अधिकारी राजीव बलूनी वो भी डीआईजी हैं, हमारे स्टाफ ऑफिसर राहुल सुचान, ड्रैगर, रो राइडर XYZ और जाने कितने लोग, आप सब लोग का हमारे विभाग के कमांडर जनरल होमगार्ड्स एवं निदेशक नागरिक उन सभी साथियों का, जैसा कि मुझे धनंजय ने बताया और जितेंद्र जी ने बताया और लक्षित ने भी बताया कि आप लोग NCR रीजन देहरादून से, हरिद्वार से, गाजियाबाद से, जाने कहां कहां से और भी दूर दूर इलाके से आए थे। आप लोग का तो एक अपना रूटीन का मीटअप हो रहा था, ऐसा प्लान हो रहा था और धनंजय ने उसको लीड लिया जो आपके ड्रैगर के नाम से कुख्यात है, मशहूर नहीं कहूंगा, कुख्यात है ड्रैगर के नाम से। तो उसने कुछ डिस्कशंस मेरे से किए और इस बच्चे ने पूरी एक महीने की मेहनत जो की उसका नतीजा आज आप सबके सामने है। तो जितने भी हमारे साथी दूर से आए हैं उनके लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए। यह तालियां कुछ ठंडी बज रही है, अभी कैसी है और खासकर एक जोरदार ताली हमारे एक बड़े सीनियर सिटीजन टाइप के मेरे जैसे दिख रहे हैं ये बाबूजी जो है, इनके लिए भी हो कि ये भी आए। नमस्कार बाबूजी, हमारी और हम और आप एक ही कैटेगरी में, ठीक है? तो और खासकर वो जो छोटी छोटी मिर्चियां और लहसुन है उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए क्योंकि असली तो फोटो वीडियो और सेल्फीज उन्होंने खींची है। कहने का मतलब है अब हम आते हैं आपके मेकअप की, आप लोग रेगुलर मोबाइल एप्लीकेशन है ये अभी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और बाकी फ्यूचर में अभी इसको हम iOS पे भी अपलोड करेंगे और इसमें सिंपल है एप्लीकेशन को यूज करना, केवल डाउनलोड करके आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है सिंपल जो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं जैसे नाम और उसमें फोन नंबर से लेके वो आपको डालना है, आप उसमें रजिस्टर करते हैं और किसी भी समय उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है और हम लोगों ने ये बिल्कुल सोचा है कि क्योंकि हाँ और इस समय ये भी बहुत अच्छा है कि आप लोग अभी जो आप लोग भी किसी न किसी जगह पे जाते हैं बाइक से यात्रा करते हैं या आपके रिश्तेदार सगे संबंधी कोई भी आते हैं अपने ये ग्रुप ऐप को हमें सभी जगह सभी लोगों तक पूरे उत्तराखंड या पूरे ये जो पूरी एक पहल है हमारे सर की तरफ से है उनका जो विचार था इसको पूरे उत्तराखंड कहूंगा मैं और पूरे भारत में भी ये पहला ऐसा विभाग है जिसने होमगार्ड्स को उनके महत्व को जो समझा है ये हमारे जो विभागाध्यक्ष महोदय हैं उनको भी समझाना है और हम भी समझेंगे कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ठीक है? ये बहुत डेंजर। तो मैं राहुल से रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल अभी राहुल के बारे में बता दें, पूरे देहरादून के मालिक ये हैं, देहरादून में आपको कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप हमारे इन ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं, वेरी एक्टिव वेरी एजाइल एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प। राहुल तो थैंक यू सो मच यहाँ सब राइडर्स का आने के लिए, सुपर कार्स आएंगे, सुपर बाइक्स आएंगे, काफी राइडर्स हमारे जो है दिल्ली से हैं एंड हरिद्वार से पूरी टीम आई है डेजर्ट राइडर की और विकास नगर से हमारे अतुल भैया के साथ में सारे राइडर्स आए हैं और ये एक मैं सर से मिला था, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ ये चीज। तो मैंने सर को बताया कि मैं एक मीटअप प्लान कर रहा हूँ, तो सर ने कहा तुम्हारे मीटअप में क्या क्या होता है, तो मैंने सर को बताया कि
बर्न आउट होते हैं, सुपर बाइक्स आती हैं, बच्चों को क्रेज होता है, देखने आते हैं, सब कुछ होता है और सर थोड़े बहुत स्टंट्स भी होते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा बहुत इस सब के बाद क्या होता है घर चले जाते हैं सब। बट उसके बाद सर ने कहा कि एक इसका जो तुम ठीक है, ये तुम्हारे फॉलोअर्स है, तुम वीडियो डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम फॉलोअर्स गेन कर रहे हो ठीक है, बट उससे तुम समाज को क्या दे रहे हो। तो फिर यही चीज मेरे को सर ने और समझाई कि तुम्हारे पास जो ये ऑडियंस है और ये जो सब तुम राइडर्स में यूनिटी है, देहरादून की राइडर्स में एक पहली बार ये ऐसा हुआ है कि राइडर्स इन्वाइट हुए हैं। जनरली क्या होता था, किसी का भी एक यूट्यूबर का मीटअप होता था, उसमें राइडर्स अलाउड नहीं होते थे बाहर से, सिर्फ सब्सक्राइबर्स होते थे। एंड मेरे हिसाब से शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सब हमारे जो राइडर्स हैं एक साथ आए हैं यहाँ पर। एंड दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि सर ने ऐसा मुझे मौका दिया सब राइडर्स को, एक जो छवि बनी हुई है। देखिए आप सब जानते हैं कि राइडर्स वर्सेस पुलिस वाले एक दुश्मनी है, ये तो है सबके, सबका यही है यहाँ पे मानना। किसी का एग्जॉस्ट के लिए है, किसी का अलग अलग रीजन है, सुपर बाइक का तो एग्जॉस्ट के लिए होता है, बट सर ने इस चीज को एक दुश्मनी खत्म करने वाली बात, एक सर ने मेरे को बोला कि देखो आप दो तरीके से समझा सकते हैं किसी को भी, मार के या फिर समझा के। तो ये एक यही चीज थी जो सर ने बोला कि इससे हम, तुम धनंजय सब्सक्राइबर्स को ज्यादा ना बुला के राइडर्स को बुलाओ, एक समाज में एक तुम्हारे मीटअप से तुम सब इकट्ठे हो गए, एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई उत्तराखंड पुलिस आप लोगों के साथ है। फिर दूसरा मैं इस ऐप पे आ जाता हूँ, ये ऐप आप सबके लिए है, आप सब राइड करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आप सारे मसूरी होते हैं ठीक है, एंड सभी ट्रैवल करते हैं सब। ये हम सब लोग के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि एक नाम अभी जिक्र किया था धनंजय ने, अगस्त से चौहान। मेरे ख्याल से जितनी राइडर फ्रेटर्निटी है, कम्युनिटी है वो जानती है, जितने बाइकर्स हैं वो जानते हैं, यार मैं भी आप ही लोग के बीच में, मैं भी जानता हूं उसको, मैं भी उसका फॉलोअर था थ्रू नेट एंड थ्रू माई ओन इंक्लूसिवनेस एंड इंटरेस्ट। मैं ड्राइवर को भी जानता हूं, मैं प्रो राइडर को भी जानता हूं, और भी मैं तीन चार लोगों को जानता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक अनहोनी हुई और एक हमारा साथी, एक प्यारी आत्मा हमको छोड़ के चली गई। लेकिन मुझे दिवाली का वो दिन याद है, मैं ऑफिस में था और धनंजय यहां पे आया हुआ था, और तब मैंने धनंजय के थ्रू जो प्रो राइडर है अगत से, उनके फादर को भी कहा था यार उनको भी लेके आना। मुझे ये बताया गया कि सर वो दो या तीन दिन पहले अगत से गई में। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में अगत से के पापा प्रो राइडर वो भी मौजूद है जितेंद्र। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली इनके लिए हो जाए और वो भी दो मिनट से इसको संबोधित करेंगे। हेलो एवरीवन एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। जैसे आप जानते हैं प्रो राइडर 1000, मैं कुछ नहीं हूं, जो भी था वो बेटा था। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अमिताभ जी का, सर का, राजीव जी का एंड राहुल जी का कि हम, इन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम यहां पर आए हैं। अरे चल क्या यार, क्या बस कर यार, रुलाएगा क्या? चल चल। मेन ये है कि मैं खुद भी बचपन से ही बाइक वगैरह में इंटरेस्टेड था, बाइक चलाता था। मेन कंफर्म आ गया सेफ्टी पे। बीच में कुछ स्थिति ऐसी थी जो ड्राइवर ने भी बताई कि पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस स्पेशली देहरादून की, और राइडर्स के बीच में हर मौके पे उनके साथ उनकी मिसबिहेविंग, चाहे तो उसमें पुलिस भी जिम्मेवार थी, कहीं राइडर्स भी जिम्मेवार थे प्रूफ करने के लिए दरिदा कोर्ट। लेकिन हमने उस पुरानी बातों को भूलना है। मेन कंसर्न ये है कि हमने सेफ्टी के साथ चलना है। जैसे सर ने बताया कि हमें कहां रैप करना चाहिए, जब सर ने कहा कि मैंने भी बुलेट में एग्जॉस्ट लगा रखा है, तो मैं सर के पास जिस दिन आया था मैं एग्जॉस्ट उतार के आया था फर्स्ट टाइम। लेकिन जब मैंने देखा सर ने लगा रखा, तो मैंने वापस अपना एग्जॉस्ट लगाने से किसी को परेशानी नहीं है, पब्लिक को परेशानी है। लेकिन उन्होंने सही कहा पर आप उसका यूज कर सकते हैं, कहां उसको यूज नहीं कर सकते। मीन स्कूल के बच्चे या स्कूल में एग्जाम चल रहा, हॉस्पिटल के बाहर, लिटरीज एरिया में, पुलिस के हेडक्वार्टर वगैरह, यहाँ पर क्योंकि वाला। लेकिन मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा
स्पेशली ड्राइव सेफ, और हमें इस ऐप को देहरादून, उत्तराखंड और पूरे इंडिया में फैलाने में आप लोगों की मदद चाहिए। साथ ही साथ मैंने सुना है जम्मू से भी कोई राइडर आया है शायद, यहाँ कहाँ पर है वो हैंड ओवर करेंगे? जम्मू से कोई आए हैं वो जम्मू से आए हैं, जब उन्होंने सुना कि यहाँ मीटिंग हो रही है तो ही केम बाय जम्मू ही। तो आप लोगों का आने का भी धन्यवाद। रुड़की से भी, सहारनपुर, हिमाचल, शिमला, पूरे उत्तराखंड से जितने भी सब्सक्राइबर और यूट्यूबर्स आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और इस ऐप को हमारे को पब्लिक कम्युनिटी की तरफ हम क्या हेल्प कर सकते हैं, सर के साथ हम रहेंगे हमेशा। थैंक यू। सो गाइस, ये खड़ी है अपनी बीस्ट, एंड यहाँ पे सारे रैप 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 बैटल वगैरह जो भी कह सकते हो, ये सब चीज़ चल रही है। बट गाइस, अब हम मतलब एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी जो मैंने आधी आधी क्लिप रिकॉर्ड करी, क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं इतनी। द्रुत ऐप है एक, उसको आप डाउनलोड करें, उसमें बहुत मतलब हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा राइडर्स के लिए। अगर कुछ हो ना हो, बट मतलब बाई चांस वाला एक्सीडेंट हो गया, तो तुम इससे द्रुत ऐप से मतलब एकदम से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी डायरेक्ट पुलिस से। सो वो बहुत सही एक ऐप दे रखा है इसमें। एंड और अब हम यहाँ से मतलब घर ही जा रहे हैं, क्योंकि अब एक राइड हो रही है। सो अगर गाइस धनंजय भाई में से कोई भी हमारी वीडियो देख रहा है, या फिर इस मीटअप के अकॉर्डिंग कोई भी हमारी वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो खासकर, तो आई एम लिटली सॉरी, मैं पूरी राइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी फ़ोन आया घर से कि कहीं जाना है, तो जल्दी जल्दी आ, कुछ ऐसे अर्जेंट काम है। तो तुम्हारा भाई देख लो, चेक मार लो भयंकर, और ये बिली चेक करो भाई भयंकर, भाई लौंडे आके खतरनाक है, बच्चे बच्चे हैं। एक और भाई, भाई ना बाइक की जरूरत थोड़ी है इसको, ये तो साइकिल में ही मस्त है भाई अपने। और निकलते हम तो यार, मैं घर, हाँ काम भी है ना यार, दिक्कत है। आप जा रहे तो जा लो, तो घर ये उतार रही है जैकेट, ये तो लोअर है अभी पहनना है, ये भी हेलमेट वगैरह, अभी चार्ज में लगाया था फ़ोन, थोड़ा चार्ज हुआ बंद हो गया था, और अभी करते हैं इस ब्लॉग को एंड। एंड मिलते हैं कल, एक जा कल क्रिसमस है, तो आप सबको पहले एडवांस में मैरी क्रिसमस। एंड कल जा रहे हैं हम घूमने, तो देखते हैं उसका व्लॉग बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ ये नहीं पता, तो ये व्लॉग आ जाएगा कल या परसों में, दो पार्ट में, तो एंजॉय करना फुल मस्ती में, ठीक है। कल का व्लॉग बनाते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट, बाय। स्वस्थ मस्त खुश खाते पीते रहना, मुस्कुराते रहना, टेक केयर, पीस आउट, बाय। एंड धनंजय भाई सॉरी, मैं राइड पूरी नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम पक्का करूँगा, तो बाय।